बीजेपी बहुत ज्यादा अहंकारी हो गई है, अपने सहयोगी दलों को काम करने का मौका नहीं देती है, उन्हें सम्मान नहीं देती है। महाराष्ट्र के एपिसोड के बाद इस तरह के तीखे प्रश्न सभी तरफ से आने शुरू हो गए हैं। इस समय हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी हैं। सर, आपके साथ जो एनडीए के बहुत बड़े आप घटक दल हैं और काफ़ी समय से आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इस तरह के अनुभव खट्टे मीठे जो रहे हैं कि आपके साथ रहे हैं, कि आप इस तरह के कि जो कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है कुछ ज़्यादा ही अहंकारी हो गई है और सम्मान नहीं करती है। नहीं, महाराष्ट्र की और जो झारखंड की घटनाएं हुई हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ख़ासतौर से महाराष्ट्र का जो सहयोगी दल है शिवसेना, वो एनडीए का संस्थापक सदस्य है। जब स्वर्गीय बाल ठाकरे, अटल जी, अडवाणी जी और जॉर्ज फर्नांडिस ने मिलकर के एनडीए बनाया था, शिवसेना, अकाली दल और जेडीयू इसके सबसे पुराने घटक दल हैं। और इधर बीजेपी का जब स्पष्ट बहुमत सदन में हो चुका है तो थोड़ी सी परिस्थितियां बदली। 14 दिन की जब सरकार अटल जी की बनी थी उस समय यह आवश्यकता महसूस की गई थी कुछ और दलों को भी इसमें शामिल किया जाए, और तब नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर के टीएमसी से लेकर के बीएसपी से लेकर के टीडीपी से लेकर के कोई दल मुश्किल ही बचा था जो एनडीए का हिस्सा ना। आज सर, आज के सिनेरियो में बताइए कि महाराष्ट्र में जो चला उसको जो ब्लेम आ रहे हैं सामने, बिल्कुल क्लियर बोला जा रहा है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गई है। नहीं, दोनों दलों के बीच में क्या घटित हुआ है उसकी कोई स्पष्ट जानकारी किसी सहयोगी दलों को नहीं। पहले जब एनडीए की बैठक समायोजित होती थी तो उसमें वैचारिक मामलों से लेकर के संगठनात्मक मामले भी डिस्कस होते थे। इधर लंबे समय से ये सब बंद हैं, जिसको लेकर के शक सुबह और इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। सर, आपके साथ भी कुछ इसी तरह का किस्सा जो हुआ है 2015 में, और आपने जो है फिर लालू यादव से जो हाथ मिलाया था, कुछ इस तरह की चीज़ें आपने लोगों ने भी अनुभव की हैं, तो ऐसे में एक सहयोगी दल बहुत बड़े हैं, क्या कुछ आप कहेंगे इस? नहीं, अब तो शिवसेना के बाद हम सबसे बड़े सहयोगी दल हो गए हैं और हम अतीत को नहीं भूलना चाहते, लेकिन बड़ा दल होने के नाते कोऑर्डिनेशन करने की बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारा उनसे आग्रह होगा कि भविष्य में इस तरह की अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स ना हो, लिहाजा कोई मैकेनिज्म बिल्डअप होना चाहिए जब महीने दो महीने में घटक दलों के साथ बैठ के हों, सामूहिक फैसले लेने की प्रवृत्ति और ज़्यादा मजबूत हो और वैचारिक मामलों पर भी एक समन्वय कायम हो कि इतना जाना है इतना नहीं जाना जैसा अटल जी के समय था। तो आपका कहना है कि महीने दो महीनों में एक बैठक होनी चाहिए जो आजकल नहीं हो रही है। सर, अगर हम झारखंड की बात करें, जल्दी चुनाव होने वाले हैं, क्या कारण है कि आपने वहाँ पे अकेले लड़ने का फैसला लिया? नहीं, हम तो जब संयुक्त बिहार था तो जनता दल यूनाइटेड रहा हो या समाजवादी आंदोलन रहा हो, बड़े हिस्से पर हमारा वहाँ पर आधिपत्य था या कहिए कि हमारा असर था। बिहार के बंटवारे के बाद भी उस समय हमारा उनसे समन्वय था, हमारे कई एमएलए थे, एमपी थे और मिनिस्टर भी थे, लेकिन इधर फिर वही परिस्थितियां वहां भी पैदा हुई हैं। ना सिर्फ हम बल्कि एलजेपी जो केंद्र में भी हिस्सेदार है वो भी अलग हो गई, और उनका एक लोकल पार्टनर है आजसू, वो भी अलग होने की प्रक्रिया में है। तो ये सब समन्वय की कमी और कोई मैकेनिज्म ना होने की वजह से ऐसा चल रहा है। सर, अक्सर ये देखा गया है कि जब दो पार्टीज होती हैं उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होती है, या जब चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं और उसके बाद वो जब किसी भी कारण से सरकार बनाती हैं, सरकारें चलती नहीं हैं। इसमें एग्जाम्पल आप पीडीपी और उनका ले सकते हैं, बीजेपी का 2014 में, 2015 में आपका एग्जाम्पल है, फिर कर्नाटक का एग्जाम्पल सामने है। ऐसे में क्या दबाव नहीं रहता है थोड़ा कि पहले गठबंधन हो जाए उसके बाद हम जाएं? देखिए, गठबंधन तो महाराष्ट्र में भी था, वैचारिक समानता भी है, फिर भी टूट गए। असल में बहुत ज़्यादा सहिष्णु होने की आवश्यकता है। अपने पार्टनर्स की कुछ बात आप माने और अपने पार्टनर को भी आप सेटिस्फाई करें उस रूप में कि जो उनके द्वारा उठाए गए सवाल हैं उनका भी हम सम्मान करें। सर, यहाँ पे उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ी बात स्टेटमेंट दी है, उनका कहना है कि जब बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार बना सकती है तो उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम एक बिल्कुल दूसरी विचारधारा कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की सोच रहे हैं।
बात उनकी ठीक है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को सोचना है, शिवसेना को नहीं, कि जो सेकुलरिज्म का दम पूरे देश में भरने का दावा और वादा करती है, क्या उस पार्टी के लिए ये संभव होगा जिसको अब तक वो कमनल कह कर के लगातार देश की राजनीति में और महाराष्ट्र की राजनीति में कोसते रहे। सर, आप बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, आपको लगता है कि जब सरकारें बनाई जाएं तो चुनाव से पहले अगर गठबंधन रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो सरकार ज़्यादा लंबी चलती है और जनता भी जो है उसमें कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है? देखिए, पहले जैसी वैचारिक प्रतिबद्धताएं नहीं रही, पहले भिन्न विचार होते हुए भी, जैसे गैर कांग्रेसी सरकारें जब बननी शुरू हुई तो 67 में कम्युनिस्ट पार्टी भी, जनसंघ भी, स्वतंत्र पार्टी भी, लोकदल भी, ये सभी इकट्ठे थे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी कि कांग्रेस पार्टी को हटाना है। ऐसे ही अब विचारधारा भिन्न हो सकती है, मैं विचारधारा की भिन्नता को कोई मुद्दा नहीं मानता, लेकिन समन्वय इसमें कायम होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। सर, लास्टली यही पूछेंगे कि जैसा कि आपने खुद ही ने बताया कि बहुत ही कम अब सहयोगी दल बचे हैं NDA के जो हैं, BJP को क्या अब बहुत ही संभल कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन तो इलेक्शन आएंगे, ये भी झारखंड का है, फिर दिल्ली का DU है। नहीं, बहुत ही आदर्श स्थिति होगी और हमारी जैसी पार्टियां उस स्थिति का स्वागत और सत्कार करेंगी जिसमें पुराने सभी सहयोगी दल इकट्ठे होकर के बड़ी पार्टी BJP के साथ मिल करके समस्याओं का हल निकालें और BJP के नेतृत्व में फिर झारखंड में भी, महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी सरकार बने और सहयोगी दलों को समयित और सम्मानपूर्ण स्थान मिले। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ KC त्यागी जी थे, बहुत ही क्लियर इनका कहना है कि जो एक समय आ गया है कि BJP को बहुत ही सहनशीलता से, संवेदनशीलता से अपने जो दल हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और टाइम टू टाइम बैठकें होनी चाहिए जिससे विचारों का आदान प्रदान हो सके और जो जिस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार आ जाती है वो ना हो। मेरी सहयोगी सुमन कांसरा के साथ अनुजन रोहतगी, न्यूज नाशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।